रजिस्ट्रेशन के लिए हमें किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी हुई नहीं। इंशाल्लाह हम पत्तों की से जो चूहा है वो खत्म करेंगे और एक स्पोर्ट्स को आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह के माँ बाप पसंद करेंगे। स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे वो बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं। तो मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम जो क्लब ओनर्स हैं और प्लेयर हैं उन सब की तरफ से ये जो हमारी टीम है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है मैं इनका दिल के था कहना से शुक्र अदा करता हूँ। ये इतनी मेहनत करते हैं कि आगे आगे हमें नजर आ रहा है हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिस पे चल के इंशाल्लाह हमारी डिस्ट्रिक्ट कामयाब होगी, हमारा पंजाब कामयाब होगा और इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान कामयाब होगा। इसके बाद जो हमारे मेहमान खुसूसी साहब हैं चौधरी अकील असलम साहब जो एक स्पोर्ट्स मैन है उन्होंने हमेशा स्पोर्ट्स लवर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स मैन से प्यार किया है और हमेशा पत्तों की में और आस पास जितने भी इलाकों में स्पोर्ट्स लवर मौजूद हैं अकील असलम साहब ने उनकी रहनुमाई की है, उन पे उनके सर पे हाथ रखा और मोहब्बत किया स्पोर्ट्स को। तो इसके बाद चौधरी अकील असलम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया और फिर भी इनाम तकसीम। सबसे पहले जंगीर भाई पीएसएफ के मेंबरान हमारे नौजवान दोस्त और जो मेरे यहाँ पे खेले हैं और जिन तक भी मेरी आवाज आ रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। जंगीर भाई आपका बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे दावत दी और मेरी जिस तरह मैं अपनी स्पोर्ट्समैन तक दे सकता हूँ उसके लिए मैं हमा वक्त हाजिर रहता हूँ। और क्योंकि नौजवान जो है मेरा एक मकसद है, आपको पता है कि पाकिस्तान में 60% जो हमारी स्ट्रेंथ है वो नौजवानों की है और ये बहुत 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 बड़ा एसेट है पाकिस्तान का। और स्पोर्ट्स मैं ये कहूँगा कि मैंने खुद भी स्पोर्ट्स रखी हुई है, स्नूकर मैं खुद भी खेलता हूँ अक्सर, जंगीर भाई को पता है। तो मैं आप सबको एक मैसेज सबसे पहले जरूर दूंगा कि अपनी जिंदगी में कोई ना कोई स्पोर्ट, कोई एक सी भी, चाहे वो स्नूकर है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, कोई भी स्पोर्ट, अपनी जिंदगी में एक स्पोर्ट को हिस्सा बना दें। और ये आपको जो बंदा इसमें देखे स्पोर्ट्स में आप हारते भी हैं जीतते भी हैं, जब आप हारते हैं तो आप में जज्बा होता है, सीखने को मिलता है, लर्न करते हैं, आपके नर्व स्ट्रांग होते हैं और नेक्स्ट आप प्लान करते हैं कि मैंने किस तरह से नेक्स्ट विन करना है, अपनी ट्रैकिंग करते हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स जो है नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद मैं मुबारकबाद दूंगा आपको, सैफुल्लाह जबरदस्त आपने खेला है आप, इनके लिए माशाल्लाह शुरू से है, मुझे बड़ा जबरदस्त मैच देखने को मिला है। शेख आदल साहब माशाल्लाह बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, मैं बचपन से मतलब इकट्ठे खेलते भी रहे हैं, इनको मैं देखता रहा हूँ और दोनों को मैं अप्रिशिएट करूंगा, हार जीत कोई मायने नहीं रखता, यही स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट है, यही हुसन है। आप जिस तरह मैच खत्म हुआ है आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं, यही जज्बा और जुनून है और यही स्पिरिट है स्पोर्ट्स मैन का। तो बाकी जीत हार कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट प्लान करें और जीतने के लिए और मेहनत करें, अपनी गलतियों से सीखें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप भी बीट करेंगे। और मैं पीएसएफ पे डिटेल से बात करूंगा थोड़ी, जबरदस्त अप्रिशिएटेड जिस तरह से आप अपनी काबिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट आपको पता है पीटीआई इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर है स्पोर्ट्स मैन है, इससे बड़ा बढ़ के क्या बात होगी, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी स्पोर्ट्स मैन है, उनकी उनकी तरफ से स्पोर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए हर काबिश की जा रही है। मैं आगे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साहब को बता रहा था एक स्पोर्ट्स हंट प्रोग्राम शुरू किया है खान साहब ने, जो इस्लामाबाद में देखा होगा लाखों लोगों की पब्लिक थी जहां पे उन्होंने इसका इनोग्रेट किया है और उसमें एक एप्लीकेशन है वो आप गूगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह भी आप कोई भी स्पोर्ट्स है आपकी वहां पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट करवाएं और वो आपको मौका देंगे कि आप ग्रासरूट लेवल से ऊपर अपने आप को बनवाएं जो किसी भी स्पोर्ट्स में हो। इसके अलावा हमारी डिस्ट्रिक्ट की कमेटी भी बनी हुई थी, अब थोड़ी सी डिसॉल्व हो गई है हमारी बॉडीज, तो
दोबारा से भी इंशाल्लाह ताला बनेगी। हमने क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराया तरीके इंसाफ क्रिकेट मेला के नाम से, माशाल्लाह भरपूर लोग, हमने मीटिंग करनी होगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर रहूंगा। स्पोर्ट्स का असल में जो स्नूकर है इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से है, हालांकि कायदे आजम फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वो भी स्नूकर खेलते थे, पिक्चर्स भी लगी होती है जहाँ पे भी होता है, मगर हमारी सोसाइटी में लोगों इसको मिसकॉन्सेप्ट है कि यार ये पतली बैटिंग होती है, लोग जुआ खेलते हैं इस तरह करते हैं, मगर जमील भाई ने क्लब बनाया हुआ इस तरह पत्तोकी में और भी क्लब है जहाँ पे अच्छी स्नूकर खेलने को मिलती है, उसमें कोई इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होती है, नौजवानों को अच्छा माहौल मिलता है खेलने के लिए। तो जबरदस्त है, एप्रिसिएशन है जमील भाई, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट भी जहाँ पे भी याद करेंगे मैं इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा आपकी इस स्पोर्ट इस एक्टिविटी में आपको अप्रिशिएट करने के लिए, जो भी मौके आप देंगे इंशाल्लाह ताला मैं मादम आपके साथ हाजिर होऊंगा। और आखिर में मैं आपको पता है तरीके इंसाफ से ताल्लुक है, नौजवान भी नजर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया 60% नौजवान है। कल आपको पता है पत्तोकी में भी ड्रामा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे मैं वो इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, वो हिसाब लेने निकले थे इमरान खान से, तो जब उन्हें कहा गया कि आप अपने वालद का भी हिसाब दें जो 20-30 साल में लूट मार हुई है, तो उसके बाद उन्होंने उस मार्च को तब्दील कर दिया महंगाई मार्च में, पहले हिसाब किताब मार्च थी, जब उनसे कहा गया कि आप अपना भी हिसाब दें उन्होंने उसका नाम ही चेंज कर दिया। तो थोड़ा सा मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि महंगाई का इश्यू जरूर है और वो पूरी दुनिया में, कोरोना आप गूगल सर्च करें हर जगह पे रेट्स ज्यादा है, मगर हमारी हुकूमत का ये आप जो है जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता रहा हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करें, हमने एक रिसेंट हेल्थ कार्ड शुरू किया जो हर एक बंदा जो हमारे हम सब यहाँ पे बैठे हुए समेत मेरे हम सबकी जेब में आईडी कार्ड अगर हमारा बना हुआ है हम सबकी जेब में 10 लाख रुपया इस टाइम, हम किसी भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में अपना 10 लाख तक फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो ये वो पाकिस्तान है, मतलब दो नहीं एक पाकिस्तान जिनकी इमरान खान साहब बात करते हैं, हमने सबको बराबरी की हकूक देनी है। इसके अलावा जो हमारी बेवा खातून है उनको 13,000 रुपया मिल रहा है, जिनके पास घर नहीं है उनको हम घर बनाने के लिए लोन दे रहे हैं, नौजवानों के लिए खास तौर पे जो छोटे लेवल पे कारोबार करना चाहते हैं 5 से 10 लाख रुपया गवर्नमेंट उन्हें इंटरेस्ट फ्री सूद के बगैर अपना प्लान दे नौजवान कि मेरे पास ये प्लान है मुझे इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो 10 लाख तक गवर्नमेंट उन्हें फ्री सूद के बगैर भी लोन प्रोवाइड कर रही है। तो ये इंशाल्लाह ये सारी चीजें हैं जो इमरान खान साहब ला रहे हैं और मदीना की तर्ज की रियासत कायम करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं है जब दो नहीं एक पाकिस्तान बनेगा और नया पाकिस्तान बनेगा, हम सब का पाकिस्तान बनेगा और मदीना की तर्ज का पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। बाकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी तरह रखें, जारी और सारी रहें, अपनी जिंदगी में स्पोर्ट्स को हिस्सा बनाएं, इंशाल्लाह ताला मेरी जहां पे भी जरूरत होगी मैं हर वक्त आपके साथ हाजिर हूंगा। बाकी आपकी अप्रिसिएशन के लिए वो आपसे मिलेंगे, जो मेरे से हो सका आपके लिए वो जरूर अनाउंस होगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ले जी, इसके बाद जो हमारे सरपरस्त हैं पाकिस्तान लेवल पे, पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं नईम अवान साहब और चौधरी जमीर साहब उखाड़े से, उन्होंने बहुत ही कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे पास आए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर खान दादा साहब उन्होंने भी आना था लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ सके। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टॉप 8 के सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे तो इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर साहब आएंगे। ये जहांगीर भाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि अकील असलम भाई ने बताया कि स्नूकर को पहले गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था, तो आप सब दोस्त भाई इधर हैं, 2015 से ये क्लब स्टार्ट किया हुआ है, तो सब दोस्तों भाइयों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम नवाजी से हमने प्राइवेट तौर पे बहुत सारे टूर्नामेंट करवाए हैं और उनमें यही कोशिश रही है कि उनमें अच्छा मैनेज करें और हमारा तो पॉइंट किस्म की कोई भी गैर कानूनी सरगर्मियां नहीं करवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम दोस्तों भाइयों के तामन से और तौर पर पीएसएफ के पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट
चौधरी जमीर हुसैन रजिस्टर्ड हुआ था, असल में वो क्लब का नाम रजिस्टर्ड हुआ था। गवर्नमेंट की सरपरस्ती में जो ये अब क्लब रजिस्टर हो रहे हैं, ये इस सब काम का सिरा जो है वो पीएसएफ के जितने भी मेंबरान हैं उनके सर को जाता है। और आज देखें अल्लाह पाक ने उन भाइयों की दिन रात की मेहनतों की वजह से आज हमारे क्लब को, हमारे इलाके को ये शरफ दिया है कि पीएसएफ के जो मेंबरान हैं कि उनके पास इन दिनों में, तो हमारा ईमान है, हमारा दिल कहता है कि इन दिनों में उनके पास एक सेकंड का टाइम नहीं है, लेकिन ये पत्तों के लिए और डिस्ट्रिक्ट कसूर के लिए बहुत बड़ी साधत है। और हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो अपने कीमती टाइम से वक्त निकाल कर हमारे क्लब तशरीफ लेके आए और हमारे टूर्नामेंट को उन्होंने चार चांद लगा दिए। और मैं अब चोरी जमीर हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, चोरी नहीं ममान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, उनकी पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। बहुत सारी क्लैपिंग। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब एडवोकेट चौधरी अकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्त निकाल के इस स्नूकर के लिए आप आए और हमें सुन के बड़ी खुशी हुई। आपका जज्बा जो स्पोर्ट्समैन के लिए है और खिलाड़ियों के लिए जो आपका जोश है और जिस तरीके से आपने स्पॉन्सर किया इस खूबसूरत इवेंट को, हम उस पर पूरी पीएसएफ की। लेकिन ये जेंटलमैन स्पोर्ट्स है, आज से पहले किसी ने इसको कोशिश नहीं की, इसको उजागर करने की। इंटरनेशनल लेवल पे जब हम देखते हैं तो हमें बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस होता है कि पाकिस्तान के स्नूकर कहाँ पे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहाँ पे। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन की पूरी टीम जो आज मेरे साथ मौजूद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इसको गवर्नमेंट लेवल पे, इसको सरकारी इदारों में रिकग्नाइज करवाया जाए, हमारे प्लेयर्स को रजिस्टर्ड करवाया जाए और इसको वो स्टैंडर्ड मुताबिक करवाए जाए जो इंटरनेशनल है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर के जो जिन्होंने नाम रोशन किया इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, और बहुत जल्द मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स भी खेलें और ये अमन के जो रखवाले हैं, ये जो हमारे स्पोर्ट्समैन अमन के रखवाले हैं, ये पाकिस्तान में नहीं, अपने जिलों में नहीं, ये दूसरे मुल्कों में जाके भी अमन का झंडा, पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। और इस खूबसूरत इवेंट को ऑर्गेनाइज करने पे एक बहुत टीम वर्क और बड़ा हेक्टिक जॉब और बड़ी ही मेहनत की इन्होंने अपने जिले में, तो मैं पतों की डिस्ट्रिक्ट कसूर की पूरी टीम को, जनाब जहांगीर साहब, अमजद साहब और इनकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने बहुत मेहनत का बताया दिया और मैं इसके साथ ही मौका दूंगा जनाब जमीर साहब को। जमीर साहब आप अपने ख्याल का इजहार करिए। जनाब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا بے پناہ شکر اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اقدس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں میں انتہائی مشکور ہوں ڈسٹرکٹ قصور کی پوری ٹیم کا جنہوں نے اس خوبصورت میلے کا انعقاد کیا اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے اختتام پذیر کیا، جس میں بلا شبہ جہانگیر صاحب ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں، امجد علی صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، بشارت صاحب وائس پریزیڈنٹ سوری فائنانس سیکرٹری ہیں آپ کے، اور ابو بکر صاحب انفارمیشن سیکرٹری، ان سب دوستوں کی اور پوری ٹیم کی، ان کے ساتھ جتنے لوگ بھی وابستہ تھے، جتنے کلبز اونرز وابستہ تھے، جتنے پلیئرز وابستہ تھے،
सब दोस्तों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी पीएसएफ पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन की टीम से खराज तहसीन पेश करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे खूबसूरत स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं इससे हमारे पाकिस्तान के पीसफुल होने की और चूंकि स्पोर्ट्स पीस को रिप्रेजेंट करती है पूरी दुनिया में तो हम बिलाशुबा स्पोर्ट्स की सरगर्मी का हिस्सा बन के पूरी टीम को मुबारकबाद की मुस्तक है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह से इन्होंने अपनी जुबान में ये कहते हुए फख्र महसूस किया कि हमने कभी अपने क्लब में कोई नेगेटिव एक्टिविटी को नहीं होने दिया और पूरे इलाके में इस चीज़ की आवाज़ है कि बिल्कुल साफ सुथरा क्लब है, यहाँ पे लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी आते हैं, तो ये एक ऐसी बात है कि जिस पे आपकी इतनी तारीफ की जाए वो काम है। हमारा अकील साहब आपका थोड़ा आपके इंफॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन का हिस्सा होने के नाते स्नूकर पैशनेट हम हैं सारे और शायद पैशनेट होना ही एक इलामत होती है जिससे आप किसी तरफ अपने कदमों का आगाज करते हैं और फिर अल्लाह ताला की मदद मांगते हुए चलते हैं तो अल्लाह ताला भी उसमें अपनी मदद करता है। एक फोरम पे बैठ के पाकिस्तान के किसी भी एक फोरम पे बैठ के यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड और आपको अंदाजा होगा कि आपको अपने इलाके में कितनी मेहनत और कितनी स्ट्रगल करना पड़ती है बट वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल बैकअप विद अस टिल नाउ और फिर भी हम अल्लाह के फजल व करम से जहाँ पे भी बैठे हैं बस एक ड्यूटी समझ के अपना एक फर्ज समझ के और इस गेम से अपनी मोहब्बत को देखते हुए इस कारवा का आगाज जब हुआ इसमें बहुत सारे दोस्त उनकी मेहनतें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच चुकी है और बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहां पे भी हमारे क्लब्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो शायद हम में से कोई गया भी ना हो वहाँ पे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ भी हमें हिम्मत दी वहाँ भी हमारी मदद की और वहाँ पे भी क्लब रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अब फिर जब सिंध की बात करते हैं हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध तो हमारा वो सूबा है कि पंजाब के होने के नाते पूरी फेडरेशन के जो कोर कमेटी है लेकिन उसके बावजूद हमारा फोकस सिंध पे ज़्यादा था क्योंकि सिंध एक बहुत पॉलिटिकल सूबा है वहाँ पे पॉलिटिकल अग्रेशन बहुत है और अल्लाह के फजल व करम से पूरे सिंध की जो डिविजन्स हैं वो भी सिंध स्नूकर जो वहाँ का बोर्ड है वहाँ से रजिस्टर्ड हुई और डायरेक्टर जो ऑफिस है सिंध का और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की पूरी बॉडी ओलंपिक्स सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन से भी रजिस्टर्ड हो चुकी है पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अटेंड 28 डिस्ट्रिक्ट्स अप टिल नाउ आउट ऑफ 36 और इंशाल्लाह बाकी भी जो है वो वहाँ पे भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन जारी है तो मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन के पास है पंजाब में भी और हमारे डॉक्यूमेंट्स पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में भी चले गए हुए हैं और पंजाब स्नूकर एसोसिएशन में भी चले गए हैं और इंशाल्लाह विद इन अ वीक और टू विल डेफिनेटली अचीव दोज टारगेट्स एज वेल और बिल्कुल हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं और अपने काम पे अपनी मेहनत पे अल्लाह का ही आसरा मांगते हैं हम तो डेडिकेशन से लगे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला जैसे पहले हमारे काम में बरकतें डाल रहा है इस तरह आगे भी डालता जाएगा तो ये हमारा पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन को बनाने का मकसद और इसके लिए आगे जो हम जो जहाँ जो भी प्रोग्रेस करने जा रहे हैं उसका मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो एक निगलेक्टेड एरिया था स्पोर्ट्स के अंदर स्नूकर जहांगीर साहब से मेरी बात हो रही कि अभी बाहर खड़े होके तो कहते जब मैं शुरू कर रहा था तो मेरे भाई और मेरी माँ भी
इस चीज़ की मुखालिफ थी कि ये किस बिजनेस में जाने लगे। इसी तरह आदिल साहब मौजूद हैं यहाँ पे, सीनियर स्नूकर प्लेयर हैं, सैफुल्ला साहब भी खेलते हैं, आप सबको पता है, अंदाज़ा है, जितने भी स्नूकर क्लब होना रहे हैं, जैसे आप खड़े हैं, मेरे ख्याल में मैंने भी एक स्नूकर क्लब कुछ देर चलाया, तो मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा आपको जो मुखालफत है वो अपने घर से ही होती है जब ये आप इस बिजनेस में जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज यही लोग हैं ये स्नूकर क्लब चला रहे हैं और आप माशाल्लाह फिटनेस कर रहे हैं इसको, कि जो यहाँ पे ये हुआ है ये कभी होता नहीं था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीएसओ साहब जो हमारे तारिक खान ज़ादा साहब हैं, अल्लाह ताला उनको और उनकी पूरी फैमिली को सेहत कामला अता फरमाए, उनकी बड़ी काविश है, उन्होंने बहुत मोहब्बत की कसूर की पूरी टीम से, बहुत इनकी पाकिस्तान के अंदर इनकी इस माशरे के अंदर इज्जत हो, और ये प्लेयर्स जो हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन इज इन टच विद डिफरेंट एंड मल्टीपल इंटरनेशनल स्नूकर फोरम्स एज वेल, और इंशाल्लाह जल्दी से कोलैबोरेशन होंगे और हम अपने प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे पूरी दुनिया में। इसी प्रोग्राम की इसादत से मैं आपको बताता चलूँ, हमारे माशाल्लाह एक स्नूकर प्लेयर 121 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप खेल रहे हैं इस वक्त, एहसन रमजान साहब, और आदिल भाई भी बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे उनसे क्योंकि खेलते भी रहे होंगे उनके साथ, और जाहिद इकबाल साहब जो हैं वो भी माशाल्लाह हमारे बाड़ा के सीनियर स्नूकर प्लेयर हैं, तो ये उनके साथ रबते में भी होते हैं, और उन्होंने ये इसी मेरे में परसों की बात है, परसों उन्होंने 147 मैक्सिमम ब्रेक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कर दिया, और ये फर्स्ट टाइम इट हैज सडनली हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन स्नूकर। सो कतर में हो रहा है वो टूर्नामेंट, और हमारी बेस्ट विशेज हैं पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ के लिए भी जो दो दफ़ा सबक चैम्पियन भी हैं, और सज्जाद साहब के लिए भी, और एहसन रमजान साहब के लिए, और एक और प्लेयर मुदस्सर शेख साहब जो पिंडी से हैं वो भी वहाँ पे हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे, ताकत दे कि वो पाकिस्तान का झंडा फिर से वहाँ पे गाड़ के आएँ।